अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं वाइट बटरी क्रीमी कढ़ाई, जो कि 30 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी और आप इंजॉय कर सकेंगे। सबसे पहले आपने जो है एक मीडियम साइज़ जो है ओनियन प्याज ले लेना है, और 17 से 18 जो फलियां हैं वो आपने लहसुन की ले लेनी है। इसके साथ थोड़ी सी अदरक ले लेनी है। इनको मैश कर लेना है, पीस लेना है। पीस लेने के बाद आपने एक पैन रखना है, जिसमें आपने 1 और आधा ग्लास पानी डालना है और इसको मीडियम उस पर गर्म कर लेना है। उसके बाद आपने 1 kg जो आपका बटर है वो ऐड कर लेना है, और जितने भी स्पाइसेस हैं, जितने भी मसाले आप डालना चाहते हैं आपने वो ऐड कर लेने हैं। वो ऐड करने के बाद जो टमाटर है, आपने टमाटर को जो है 2 हिस्सों में डिवाइड करके वो भी इसमें डाल देना है, और आपने इसको कवर करके रख देना है। कवर जैसे ही करके आप रखेंगे इसको 10 मिनट के बाद आपने जो छिलके हैं टमाटर के वो उतार लेने हैं। उनको उतारने के बाद आपने आँच को तेज़ कर देना है। जैसे ही आप आंच को तेज़ करेंगे वो खुश्क हो जाएगा पानी, तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वैसे तो वैसे ही मैश हो जाएंगे। आपने उनको अच्छे से मैश करके, जो आपने बटर और क्रीम मिक्स करके रखी है इसमें आप जो है बटर 3 से 4 चम्मच और जो क्रीम है वो हाफ पैकेट जो मिलता है 250 का, मतलब जो 125 ml, वो यूज़ करेंगे। अगर आपके पास जो है वो क्रीम नहीं है तो इसके अलावा आप जो है दही भी ऐड कर सकते हैं, वो ऐड कर लेनी है। और इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से हाई फ्लेम पे पकाना है। हाई फ्लेम पे पकाने के बाद आपने जो आपका बड़ा चम्मच होता है जो आप यूज़ करते हैं वो आपने कोई भी घी लेना है। अगर देसी घी लेंगे तो ज़्यादा टेस्टी होगी। देसी घी का 1 चम्मच लेके उसको डालना है और 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाना है। और इस तरह जो है आपकी वाइट बटरी क्रीमी कढ़ाई डिलीशियस सी तैयार हो जाएगी। अब आप इंजॉय कर सकते हैं, इसको गार्निश कर सकते हैं किसी भी चीज़ से। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।